हेलो दोस्तों, रीडो बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आंसर फ्रॉम डिवाइन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे प्रगति सिंह ने लिखा है। इस किताब से हम भगवान से अपने सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे। किताब में भगवान की टीचिंग्स और लर्निंग्स को शामिल किया गया है, जिसकी मदद से हम अपने एग्जिस्टेंस से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मेरी असली पहचान क्या है, जीवन क्या है, मेरा असली नेचर क्या है, डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, सक्सेस क्या है, सभी प्रॉब्लम्स का आखिरी सॉल्यूशन क्या है, गीता की समरी क्या है। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी असली पहचान क्या है या मेरे एग्जिस्टेंस का आधार क्या है? अगर आपसे आपकी पहचान पूछी जाती है तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, जो कि सिर्फ बाहरी पहचान है, जबकि आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो बिना आत्मा के शरीर डेड होता है। जैसा कि गीता में लिखा है, शरीर वो कपड़ा है जिसे हम अपनी आत्मा पर अपने जीवन को पूरा करने के लिए पहनते हैं, और जैसे ही जीवन खत्म हो जाता है तब आत्मा दूसरे शरीर को इस्तेमाल करती है, और ये साइकिल ऐसे ही सालों तक चलता रहता है। और शरीर के साथ हमारे रिश्ते भी बदलते हैं। आज जो लोग हमारे अपने हैं, दूसरे जीवन में वो हमारे दुश्मन हो सकते हैं। ऑथर कहती हैं, हम सिर्फ आत्मा है और आत्मा ही हमारी असली पहचान है। हम इस आत्मा के साथ अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही वापस चले जाते हैं। हमारी आत्मा डिवाइन आत्मा या भगवान से बनी है। ये ना कभी जन्म ले सकती है और ना ही कभी मर सकती है। हमारा शरीर खत्म हो जाता है, पर हमारी आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। ये बात साइंस भी मान चुकी है। काफी लोगों पर रिसर्च किया जा चुका है जिन्होंने अपने पिछले जीवन को इस जीवन में महसूस किया है। ये आमतौर पर हिप्नोसिस के जरिए किया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि शरीर क्या है और किस तरह हमारा शरीर हमें मिलता है। जवाब है, हमारा शरीर 5 लेयर से बना है। इन 5 लेयर्स को पंचकोश कहा जाता है। संस्कृत में पंच का मतलब है 5 और कोश का मतलब है लेयर्स। वेदों के अकॉर्डिंग आपका शरीर सिर्फ एक फिजिकल यूनिट नहीं है जो मामूली आंखों से दिखाई देती है। जब आप आईने में देखते हैं तो आप तुरंत जान जाते हैं कि वो मैं हूँ। जाहिर है, आप सिर्फ वो नहीं है जो आप देखते हैं, जबकि आप पार्शियल रूप से विजिबल और पार्शियल रूप से इनविजिबल हैं। हमारे शरीर में 5 अलग अलग शरीर या लेयर्स हैं। दूसरे शब्दों में हमारे पास एक नहीं बल्कि 5 शरीर हैं, जो एक के ऊपर एक हैं। अन्मय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी बॉडी, मनोमय कोश यानी कि मेंटल बॉडी, विज्ञानमय कोश यानी कि स्पॉन्टेनियस बॉडी, आनंदमय कोश यानी कि ब्लिस बॉडी। अन्मय कोश या फिजिकल बॉडी, अन का मतलब है अनाज या खाना और माया का मतलब है से बना या अंदर। अन्मय कोश हमारे फिजिकल शरीर या विजिबल बॉडी या शरीर का रिप्रेजेंटेशन करता है जो खाने से बना है। हम सभी जानते हैं कि हम बिना खाने ये पानी के जिंदा नहीं रह सकते, कि आप जो खाते हैं वही आप बनते हैं। मतलब हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं उससे हमारे शरीर का न्यूट्रिशन होता है। मेडिकल साइंस या मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमारा शरीर माइक्रोस्कोपिक सेल से बना है। जब एक तरह की कोशिकाएं जुड़ती हैं तो वो टिश्यू को बनाती हैं। कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ये ऑर्गन तालमेल का काम करते हैं जो शरीर में अलग अलग सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में 5 फिजिकल इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन। ऐसा माना जाता है कि इन 5 फिजिकल इंद्रियों से परे एक इनविजिबल छठी इंद्री भी है। इसे इंस्टिंक्ट या दिमागी भावना भी कहा जाता है। साथ ही आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। पानी, हवा, आग, पृथ्वी, धातु, ये सभी एलिमेंट एक दूसरे को बनाते भी हैं और एक दूसरे को खत्म भी करते हैं। हम अगर हमारे चारों ओर देखें तो पता चलेगा कि सब कुछ इन 5 एलिमेंट से ही बना है। ये सभी एलिमेंट जीवन के लिए जरूरी होते हैं, पर हमारे शरीर में कुछ दोष भी होते हैं। ये दोष बीमारियों को जन्म देते हैं। मतलब जब भी हमारे शरीर में 2 एलिमेंट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये एक दोष बन जाता है, और ये दोष आपके शरीर के साथ आपके दिमाग और एनर्जी लेवल को भी अफेक्ट करता है। हमारे शरीर में 3 दोष हैं जो इन 2 एलिमेंट्स के बैलेंस बिगड़ने के कारण आते हैं। वात दोष, दुबला शरीर, अंतरिक्ष और हवा की वजह से। पित्त दोष, औसत शरीर, आग और पानी की वजह से। कफ दोष, मोटा शरीर, पृथ्वी और जल की वजह से। प्राणमय कोश या एनर्जी बॉडी। प्राणमय कोश हमारे फिजिकल शरीर के बाहर मौजूद होता है। इसे एनर्जी बॉडी के रूप में भी माना जाता है। प्राण एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब जीवन शक्ति होता है, और माया जैसे कि हम जानते हैं इसका मतलब से बना हुआ है। सांस को जीवन माना जाता है क्योंकि इसमें जीवन शक्ति या जीवन होता है, और यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जी बॉडी हमारे शरीर के चारों तरफ एक ढाल बनाती है जिसे ऑरा के रूप में जाना जाता है। हमारी फिजिकल बॉडी के चारों तरफ की एनर्जी बाकी एनर्जीज के साथ म्यूचुअल एक्शन करती है। ऑरा जीवन शक्ति का पॉइंटर होता है। ऑरा का कलर अलग अलग इंसानों की एनर्जी के अकॉर्डिंग अलग होता है।
एनर्जी मुख्य रूप से एनर्जी चक्रास या एनर्जी के व्हील्स के रूप में एक साथ काम करती है, जिसे व्हील्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। शरीर में जीवन के पहियों के 7 साइकिल होते हैं। ये साइकिल शरीर में बैकबोन के साथ मौजूद होते हैं। इसे संस्कृत में मेरुदंड के रूप में भी जाना जाता है। बैकबोन में मौजूद 7 चक्रों में इंद्रधनुष या लाइट स्पेक्ट्रम जैसे कलर और पैटर्न होते हैं। मनोमय कोश या मेंटल बॉडी, ये हमारी मेंटल बॉडी या तीसरा शरीर भी कहा जाता है। मन का मतलब दिमागी या बुद्धि होता है। ये हमारे दिमाग के विचार को दिखाता है, जिससे भावनाएं बनती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मन भावनाओं का कंट्रोलर होता है। विज्ञान में कोश या स्पॉन्टेनियस बॉडी, विज्ञान का मतलब विज्ञान या नॉलेज होता है। जाहिर है ये कोश असल नॉलेज से रिलेटेड होता है, जो भगवान की नॉलेज से जुड़ा हुआ होता है और हमें सोचने और समझने की शक्ति देता है। आनंद में कोश या ब्लिस बॉडी, ये सभी कोशों से ऊपर होता है, मतलब ये आखिरी शरीर होता है। आनंद का मतलब खुशी होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खुशियों से भरी जगह है, जहाँ दुनिया के सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। इस कोश में किसी भी तरह की नेगेटिव भावनाएं नहीं रहती, सिर्फ खुशी की भावना साथ रहती है। कुल मिलाकर ये कोश विचारों और भावनाओं से भी आजाद होता है। आनंद में कोश आपका हायर सेल्फ होता है, और अगर आप अपने हायर सेल्फ से जुड़े हैं तो आप सही जानकारी और फैसले ले सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स से सही गाइडेंस मिल रही होती है। जीवन क्या है? जीवन भगवान का दिया गया एक सुंदर गिफ्ट है, और हम एक जीवन खत्म होने के बाद भी जिंदा रहते हैं। हम कभी नहीं मरते हैं, मतलब हमारी आत्मा हमेशा यही थी और तब तक रहेगी जब तक वो हाईएस्ट सोल से नहीं मिलती है। हमें हमारा शरीर यूनिवर्स से कुछ सालों के लिए दिया गया है, फिर भी इंसान के रूप में जन्म लेना हमारे एग्जिस्टेंस या आत्मा को मतलब देता है। जीवन कंसिस्टेंट और स्मूथ नहीं होता है, बल्कि हमने कई एक्सपीरियंसेस से गुजरने के लिए इंसानी रूप में जन्म लिया है। जीवन में हमेशा कुछ नया होता रहता है, और हम कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले पल क्या होने वाला है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हम मर नहीं जाते। भगवान ने हमें जीवन के बारे में खुशी, प्यार, आनंद और शांति जैसे अच्छा महसूस करने के लिए बहुत सारी भावनाएं दी हैं। दूसरी ओर हमारे पास दुख, उदासी, निराशा, नफरत, गुस्सा और गिल्ट आदि जैसी भावनाएं भी हैं। जीवन में हमें इन भावनाओं और जन्म मौत के साथ बैलेंस बनाना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन एक रोलर कोस्टर राइड है, जो कभी हैप्पी जोन में तो कभी सैड जोन में जाती है। गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग एक सुखी जीवन के लिए आपको हमेशा हैप्पी जोन और सैड जोन के बीच के रास्ते को अपनाना चाहिए। एक इंसान के रूप में आपको किसी भी सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख, आपको हमेशा एक ही मूड में रहना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोगों को दुख कुछ ज्यादा होता है। जाहिर है ऐसी सिचुएशन में किसी के लिए भी एक जैसा मूड बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। हम लगातार एक के बाद एक ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे जीवन में खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन में घटनाओं, सिचुएशन और लोगों से अफेक्ट होना ह्यूमन नेचर है। ऐसे में हम में से कई लोग उम्मीद खो देते हैं और हार मान लेते हैं। इस बैलेंस को ध्यान में रखना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आपको जागरूकता और खुशी मिलती है। हमारी दुनिया में योगी, संत और महात्मा अपनी लगातार मेडिटेशन और सालों की मुश्किल तपस्या से इस स्टेज को हासिल करते हैं। इसे जीवन का फ्लो भी माना जा सकता है। जीवन पानी के एक स्ट्रीम की तरह है, जो अनजान सोर्स से पैदा होकर अनजान डेस्टिनेशन की तरफ चलता है। और जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका जीवन को कंट्रोल करना है। इंसान बाकी जानवरों से अलग होते हैं, इसलिए हमें अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बैलेंस करना चाहिए, जिससे हम बिना रुके जीवन में आगे बढ़ सकें। याद रखें, कई जन्मों और अच्छे कामों के बाद ही इंसानी जन्म मिलता है, और हम अपनी बुद्धि के कारण जानवरों और बाकी स्पीसीज से अलग होते हैं। सभी स्पीसीज में समझ, फिजिकल शरीर और 5 इंद्रियां होती हैं। सिर्फ इंसानों के पास बुनियादी एग्जिस्टेंस की जरूरतों से कहीं ज्यादा सीखने और समृद्धि की बुद्धि होती है। हम अपने काम को पहचान सकते हैं कि हमारा काम सही है गलत, जबकि जानवर वही करते हैं जो उनकी कॉन्टिन्यूटी के लिए जरूरी होता है। इन सभी चीजों के बावजूद हम में से ज्यादातर लोग इस जन्म को उन चीजों के बारे में सोचने और रोने में बर्बाद कर देते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होता है। कई लोग गलत काम करते हैं और दूसरे इंसानों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय हमें अपने एग्जिस्टेंस को कभी नहीं भूलना चाहिए और सबकी भलाई को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को समझें और अपने जीवन में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। मेरा असली नेचर क्या है? हमारा ट्रू सेल्फ सिर्फ और सिर्फ शांति है, क्योंकि हमारी आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा, भगवान की आत्मा से बनी हुई है। हालांकि जब आत्मा शरीर में आती है तो उसका नेचर उसके बाहरी इम्पैक्ट से छिपा होता है, मतलब हम कैसे दिखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये सब कुछ हमारे ट्रू सेल्फ मतलब आत्मा के नेचर पर इम्पैक्ट डालता है। और आज की दुनिया में आत्मा अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की कोशिश करते समय अनकंफर्टेबल हो जाती है, और ये सब शांति ना मिलने की वजह से होता है। मतलब अगर आप स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन जैसी मेंटल स्टेट का सामना कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा अपने असल नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है।
आज के समय में लगभग हर इंसान इन मेंटल स्टेट से गुजरता है। सीधे शब्दों में कहें तो स्ट्रेस अब 21वीं सदी में जीने का नया तरीका बन गया है और ये सभी मेंटल स्टेट्स हमारे मन और शरीर दोनों को अफेक्ट करती हैं। इनसे निपटने के लिए हमें अपनी आत्मा को समझाना होगा। तो अगर हम भगवान की क्रिएशन की सुंदरता को देखें तो ये सब कुछ ड्यूअल है, कुछ भी अपने आप में मौजूद नहीं है। मतलब अगर दिन है तो रात भी है, अगर हम दिन में सूरज देखते हैं तो हम रात में चांद को भी देखते हैं। पुरुष और महिला दो जेंडर हैं और पूरा महसूस करने के लिए आपको हमेशा एक पार्टनर की जरूरत होती है। हमारी पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है जिसके दो अपोजिट पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। बैटरी में भी एक एंड पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव है। कुल मिलाकर कहें तो पूरा महसूस करने के लिए हमें और इस पूरे यूनिवर्स को एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अगर आप हिंदुइज्म को देखें तो सभी देवताओं की अपनी पत्नियां हैं। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भगवान का सबसे बड़ा रूप त्रिमूर्ति के रूप में मौजूद है। इनके अपने अपने पार्टनर भी हैं। पहले क्रिएटर भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती हैं। दूसरे प्रोटेक्टर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी हैं। तीसरे डिस्ट्रॉयर भगवान शिव और देवी पार्वती हैं। भगवान शिव और पार्वती की आत्मा एक ही शरीर में मौजूद है जिन्हें अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। और हम इंसानों के पास आदि शिव और आदि पार्वती की एनर्जी है। एनर्जी शरीर या प्राणमय कोश दो मेजर एनर्जी चैनल्स या दो साइट्स सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से बटा हुआ है। जान या जीवन शक्ति इन दो नाड़ियों या एनर्जी चैनल में एक बैलेंस स्टेट बनाती हैं। इन दोनों साइड्स को शिव और शक्ति के एग्जिस्टेंस के रूप में भी माना जाता है। मतलब हर एक पुरुष और महिला के अंदर अपोजिट जेंडर होता है जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर करते हैं। और अगर हम इसे मेडिकल रूप से देखें तो पुरुष सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन के रूप में भी जाना जाता है। ये पुरुषों में सेक्सुअल एक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर यहाँ तक कि महिलाएं भी जनरल सेक्सुअल एक्ट्स में अपने लिए टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन करती हैं, लेकिन ये पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब हर मायने में बैलेंस होना जरूरी होता है। जब शिव और शक्ति एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तो जन्म लेने वाला इंसान अपनी रियल सेक्सुअलिटी को समझ नहीं पाते। उनके सेक्स हार्मोन का लेवल नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए उनके पास सेक्सुअलिटी के बारे में मिक्स विचार होते हैं जिन्हें एलजीबीटी किन्नर आदि जैसे नामों से जाना जाता है। और दुनिया के कई हिस्सों में इन्हें स्वीकार भी नहीं किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो शिव और शक्ति एनर्जी का बैलेंस आपके नेचर को डिसाइड करता है। और अगर आप अपने नेचर को एक्सेप्ट करके जीना शुरू कर देते हैं तो आपको असल शांति का एहसास होगा जो आपके ट्रू सेल्फ का नेचर होगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? अक्सर जब जीवन में नेगेटिव चीजें होती हैं तो हमारे मन में कई सवाल आने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है या मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे इस तरह का जीवन क्यों दिया गया है, मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ। ऐसे सवाल हमें परेशान करते रहते हैं। जब कभी भी हम काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी अपने डिजायर को हासिल नहीं कर पाते तो ऐसे सवालों का आना आम बात है। ये सवाल अक्सर तब आते हैं जब हम किसी रेशियल हमले का सामना करते हैं या अपने रंग और भरोसे के आधार पर वर्बल अब्यूज से गुजरते हैं। और ऐसा होने पर इंसान असल में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और भगवान से पूछता है, मैं स्पेसिफिक जाति या फेथ में क्यों पैदा हुआ हूँ। या दूसरी सिचुएशन में लोग सोच सकते हैं कि मेरी स्किन का रंग काला क्यों है, मैं डिसेबिलिटी के साथ पैदा क्यों हुआ हूँ। और आमतौर पर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों है। इन सवालों का सबसे जरूरी जवाब है, यूनिवर्स से हमें जो कुछ भी दिया जाता है वो हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हमें जीवन के लिए एक रोल दिया जाता है जिसे हमें निभाना है। ये रोल यूनिवर्स के फैसलों पर आधारित होता है। आपको इस जीवन में एक स्पेसिफिक टाइम पर काम करने के लिए दुनिया में भेजा जाता है। इस पल को पृथ्वी पर आपके जन्म के रूप में जाना जाता है। जिस पल आप अपना जीवन शुरू करते हैं कि जब आपका जन्म होता है तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तय हो जाता है जिसमें आपके बाकी जीवन का मैनेजमेंट होता है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट यूनिवर्स के फैसलों द्वारा बनाया गया है जो आपके काम करने के तरीके को तय करता है। और प्लैनेट्स को असिस्टेंट डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, डायलॉग राइटर के रूप में माना जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप अपना जीवन जी रहे होते हैं तो प्लैनेट्स भी अपना काम कर रहे होते हैं। जब आप जीवन की शुरुआत करते हैं तो आप अनजान होते हैं और आपको दुनिया की समझ नहीं होती है। आपके पास जीवन को जीने के लिए सबसे अच्छे फैसले लेने की समझ नहीं होती है और इसलिए आप कई बार सही फैसले नहीं ले पाते हैं। जीवन में लिए गए गलत फैसले आपके फेलियर का कारण बनते हैं। फेलियर से आप अपने आप को बेकार समझते हैं जिससे आपको अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर शक होने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको सीखते रहने के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा करके ही आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएगी जिससे आप अपने जीवन के मतलब को पहचान सकते हैं। जीवन का एक समय भी होता है, मतलब अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको इस दुनिया से जाना भी होगा। हालांकि जीवन जीने के दौरान आपको नहीं पता होता कि आपको कब जाना है, क्योंकि आपका आखिरी समय अचानक से कभी भी आ सकता है। हम सभी अपने जीवन को जीते हैं और जब हमारा आखिरी टाइम आता है तो हमें अपने जीवन के सभी कामों और भावनाओं को छोड़ने के साथ साथ अपने जीवन को भी छोड़ना होता है।
हालांकि धीरे धीरे आप अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने रोल से काफी ज्यादा जुड़ गए होते हैं, लेकिन आखिरी समय आने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जो आया है उसका जाना तय है। एक बार जब हम पैदा होते हैं तो पिछले जन्म का कोई सबूत नहीं होता है, क्योंकि जन्म के समय हमारे कॉन्शियस माइंड से पहले की सारी यादें मिट जाती हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्मों और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सभी यादें सेफ रहती हैं। ऑथर का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोगों को अपने जीवन की मेन घटनाओं के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है। ये हमारी मेंटल कैपेसिटी से हो सकता है, जो हमें ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि हमारे पास जन्म से पहले एक आत्मा होती है, क्योंकि ये घटनाएं प्री प्लान नजर आती हैं और ये पूरी तरह से आपका फैसला होता है कि आप अपने रोल को कैसे निभाएंगे। आप खुश या स्ट्रेस में रहकर जीवन जी सकते हैं या किसी भी और भावना को चुनना आपका फैसला होता है। इसलिए यूनिवर्स ने आपके लिए जो भी रोल तय किया है उसमें हमेशा खुश रहें, क्योंकि ये आपके भले के लिए होता है और हम सभी को इसी तरह से काम करना होता है। हम डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो हमारे मन और शरीर दोनों को अफेक्ट करती है। डिप्रेशन आपको जीवन में हर चीज से नाखुश महसूस कराती है। ये मेंटल और फिजिकल रूप से कम एनर्जी होने की वजह से होता है, जिससे बाहर आने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। किताब में डिप्रेशन से निपटने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। भरोसा रखें कि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अपने आप से कहें, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। अपने आप पर यकीन रखें, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, इसलिए ये भी बीत जाएगा। और उस चीज को ढूंढें जिसे आप करना पसंद करते हैं। इससे आपको अपने गोल को हासिल करने में मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह आप भरोसे के साथ डिप्रेशन से निपट सकते हैं। क्रिएटिविटी या सीखना, क्रिएटिव बने और कुछ ऐसा करें जो आपको खुश महसूस कराता है। हो सकता है जब आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसे समय में अपनी गलतियों से सीखें और उस काम को नए तरीके से करें, जिससे आप यकीनन इसके रिजल्ट से खुश हो सकते हैं। मेडिटेशन का इस्तेमाल करके अपने हायर सेल्फ से जुड़ें। जब आप लगातार ध्यान करते हैं तो आप आसानी से अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करके अपने भगवान का ध्यान जरूर करें। स्पिरिचुअलिटी, अपने फेथ के अकॉर्डिंग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाएं और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करें। आपका फेथ आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेगा। थैंकफुल रहें। अपने जीवन में मौजूद हर एक चीज के लिए थैंकफुल रहें। जब आपको अच्छा महसूस ना हो तो उन चीजों को देखें जो आपके पास हैं। इससे आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। रूटीन बनाएं। अनडिसिप्लिन्ड लाइफ आपको सिर्फ डिप्रेशन देती है, इसलिए अपने जीवन के हर एक काम को करने के लिए एक रूटीन बनाएं। अपने रूटीन में रोज एक्सरसाइज करना जरूर शामिल करें। सोशल कनेक्शन बनाएं। अकेले रहने से आप ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, इसलिए लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। लोगों के साथ बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, अपनी बातें शेयर करें और वो सब करें जो आपको अच्छा महसूस कराए। प्रेजेंट मोमेंट को जिए। अपनी कमियों के बारे में सोचने से आपको चिंता हो सकती है, इसलिए पास्ट या फ्यूचर की चिंता को छोड़कर आज में जीना शुरू करें। भगवान पर भरोसा रखें। एथिस्ट बनने से आपको सिर्फ डिप्रेशन होगा, लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर आप असल खुशी को महसूस कर सकते हैं। कलर थेरेपी, अपने आसपास के कलर्स को महसूस करें और देखें कि जीवन और ये दुनिया कितनी कलरफुल है, क्योंकि डिप्रेशन में लोग चारों तरफ अंधेरा देखते हैं, पर आसपास के कलर्स को महसूस करके आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। सन, सुबह की शुरुआत सूरज को देखकर करें। इससे आप अपने दिन को एनर्जेटिक बना सकते हैं और सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस करें। सूरज की किरणें आपको अच्छी शुरुआत करने के लिए मदद करेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइफ, ये दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ है। आपके डिजायर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करता है। इस लॉ के जरिए आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, और इस लॉ का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। बस सोचें या महसूस करें कि जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो पहले से ही हासिल कर चुके हैं, और जब आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं तो आप असल में उन चीजों को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और इस बात को साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा चुका है। मतलब जब आप कल्पना करते हैं कि जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही मौजूद है, तो इस कल्पना के जरिए आप खुशी महसूस करते हैं, और जब आप अपनी इच्छाओं को अपनी भावनाओं से कनेक्ट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको सच करने के लिए यूनिवर्स में भेज देता है, और यूनिवर्स उन चीजों को सच कर देता है। और अपनी इच्छाओं को जल्दी सच करने के लिए आपको पॉजिटिव और हायर एनर्जी महसूस करनी होती है। जब मेंटल रूप से आप अच्छे विचारों और पॉजिटिविटी के साथ बैलेंस हो जाते हैं तो आपका भारी कोश, मतलब विज्ञान में और आनंद में कोश भी बदल जाता है, और ये परतें सीधे यूनिवर्स से जुड़ी हुई होती हैं, और बाहरी कोश से पॉजिटिव एनर्जी फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे हमारी इच्छा जाहिर होती है। हम अपने मन में जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे बारे में सब कुछ तय करता है। दरअसल मनोमय कोश हमारे शरीर की सबसे ऊपरी परत है। गीता कहती है कि मन वो सारथी है जो शरीर या रथ को चलाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से मन की शक्ति पर या हमारे चारों ओर
सब कुछ बदलने के लिए हमारे मन का इस्तेमाल करने पर आधारित होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कल्पना, मेडिटेशन और स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करती है? एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन का आधार है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए यूनिवर्स पृथ्वी पर हर एक आत्मा को कंट्रोल करता है। ये इंसानी जीवन पर प्लैनेट्स और स्टार जैसे सेलेस्टियल बॉडीज के इफेक्ट या एक्शंस की स्टडी है। हम में से कोई भी इंसान इन प्लैनेट्स और उनके इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकता है, जिसको समझने के लिए एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी इन सेलेस्टियल बॉडीज की साइंस या स्टडी है। आमतौर पर नासा के साइंटिस्ट और दुनिया भर की दूसरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करती हैं। वो कई सालों से इंसान और बाहरी यूनिवर्स के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर एक एस्ट्रोलॉजर का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। वो हर एक चीज को एनर्जी मानते हैं, एक एनर्जी जो हमें हर समय, हर दिन, हर पल 24/7 बिना किसी एस्केप के इन्फ्लुएंस करती है। मतलब एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे जीवन को कंट्रोल करती है। हम सभी लोग अपने जीवन में मेहनत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई अमीर होता है। आपने देखा होगा कि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, लेकिन वो अमीर नहीं होता है। ये सीधा हमारी किस्मत से जुड़ा है। मतलब यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें पूरी तरह से कंट्रोल करती है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इस पूरे यूनिवर्स में बहुत से देवी देवताएं हैं, जिनके जरिए हम पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं और हम जिस तरह का काम करते हैं हमें रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मंगल हमारी शक्ति और करियर से रिलेटेड प्लैनेट है। चंद्रमा दो मेजर सेलेस्टियल बॉडीज में से एक है जो पृथ्वी के आसमान में मौजूद है। सूर्य और चंद्रमा आंखों से दिखाई देने वाले बड़े पिंड हैं। सूर्य हमें एनर्जी देता है, जबकि चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोलॉजी के जरिए किसी इंसान के फ्यूचर का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके लिए उसका एक बर्थ चार्ट बनाया जाता है। ये बर्थ चार्ट उसके राशि, प्लैनेट्स, जन्म, समय और तारीखों के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। आपका बर्थ चार्ट आपकी किस्मत को दिखाता है, लेकिन आप अपने काम के तरीके को बदलकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। सक्सेस क्या है? आपकी सक्सेस आपके डिजायर पर डिपेंड करती है। मतलब किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब पैसा कमाना है, तो किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब अपनी पसंद की चीजें हासिल करना है। इसके साथ ही सक्सेस के हर इंसान के लिए अलग अलग मतलब हो सकते हैं। कुल मिलाकर सक्सेस का मतलब फुलफिलमेंट की भावना को महसूस करना है। वो कोई भी इच्छा या काम हो सकता है। आज के जमाने में पैसे कमाने और पॉपुलैरिटी हासिल करने को ही सक्सेसफुल होना माना जा सकता है। हम सभी लोग आमतौर पर सक्सेसफुल इंसान उसी को मानते हैं जो अपनी पसंद की चीजों को आसानी से खरीद सकता है या फिर जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। लेकिन ऑथर का मानना है कि सक्सेस कभी समाज से नहीं बल्कि अपने दिल और प्रैक्टिकल दिमाग से आनी चाहिए। समाज हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहता है और शायद दुनिया के खत्म होने तक रहेगा। और आपकी एक गलती भी समाज के लिए इम्परफेक्शन होगी। अगर आपके पास 10 में से 7 चीजें होंगी तो लोग आपको 3 चीजों के आधार पर जज करेंगे जो आपके पास नहीं है। लेकिन इस बात पर ध्यान ना देकर आपका गोल उन 7 चीजों पर फोकस करना होना चाहिए जो आपके पास है। इसलिए तय करें कि आपको क्या खुश और सेटिस्फाई करेगा और अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग जीना शुरू करें। उन चीजों के लिए खुश रहें जो आपके पास मौजूद हैं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं इस बात पर विचार ना करें। और याद रखें, आपका जीवन सिर्फ आपका है, इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। जब आप दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने जीवन को सही मायने में जीना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सभी प्रॉब्लम्स का आखिरी सॉल्यूशन क्या है? हम सभी के जीवन में एक ऐसा बुरा वक्त जरूर आता है जब हमें एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम एक के बाद एक प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं और आखिर में एक ऐसे फेज पर पहुंच जाते हैं जहां हम भटकाव महसूस करते हैं और एक ही समय में अपनी सभी परेशानियों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, जिससे ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमें पहले किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। ऑथर का मानना है कि जीवन का प्राइमरी इशू होता है पैसा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि पैसा हमारे एग्जिस्टेंस का आधार होता है। मतलब अगर आप फाइनेंशियल रूप से कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए जीवन को जीना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा कई दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे भावनात्मक मुद्दे, बीमारियां, लव लाइफ, रिश्ते, शिक्षा, एजुकेशन, सक्सेस और बहुत कुछ। जब प्रॉब्लम्स आप पर हर तरफ से आती हैं तो आप जीवन में अटका हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी आप कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाते हैं। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं और जब आपको अपनी प्रॉब्लम को दूर करने का रास्ता नहीं मिल पाता है या जब आप सारे तरीके आजमा चुके होते हैं तो इसका एक ही उपाय होता है कि दूसरों के लिए सेल्फलेस सर्विस शुरू कर देना। इसका मतलब है कि आपको अपनी सेवा के बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इससे आपको यकीनन अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सेल्फ सर्विस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। मतलब बदले में कुछ लेने की उम्मीद किए बिना एक काम करना कर्म का सबसे बड़ा रूप है। तो अगर आप बदले में बिना किसी चीज की इच्छा के किसी की मदद करते हैं तो आपके कर्म में पॉजिटिव कर्मा जुड़ जाते हैं, जिससे आशीर्वाद के रूप में आपको आपकी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सेल्फलेस सर्विस करना शुरू कर दें।
जब आप दुनिया को देना शुरू कर देंगे तो आपको बदले में यूनिवर्स से मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो कभी भी उस मौके को ना गवाएं और मदद जरूर करें। सेल्फलेस सर्विस करने के लिए आप ब्लड डोनेशन, एडॉप्शन, फूड डोनेशन, अपना एक फाउंडेशन बनाकर या फिर वॉलंटियरिंग करने के मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में गीता की समरी क्या है? भगवत गीता में लिखा है, आपके जीवन में जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आपने ऐसा क्या खोया कि आप रो रहे हैं? आप इस दुनिया में क्या लाए हैं जो आपने खो दिया? आपने क्या बनाया जो खत्म हो गया है? आपको जो कुछ भी मिलता है वो यहीं से लिया गया है। आपने जो कुछ भी दिया है वो यहीं से दिया गया है। आज जो कुछ भी आपका है वो किसी और का कल था और किसी और का कल होगा। बदलाव प्रकृति का नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो कुछ भी है आपको उस चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज बिना किसी मतलब के नहीं होती है। हर चीज के होने के पीछे कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी होती है, और आपके पास अभी जो मौजूद है उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए थे तो अकेले आए थे और कुछ भी लेकर नहीं आए थे। साथ ही आपको इस दुनिया से जाते समय भी अकेले ही जाना होगा, कुछ भी आपके साथ वापस नहीं जाएगा। जितना कुछ भी आपके पास है वो सब आपके जन्म लेने के बाद यहाँ मिला है, और जो कुछ भी आपके पास है वो कभी किसी और का था और आगे जाकर किसी और का हो सकता है। बदलना प्रकृति का नियम है, मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है उसमें बदलाव जरूर होगा। इसलिए अपने आज के पल को जीना शुरू करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए खुशी खुशी अपने जीवन को धन्यवाद करें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने भगवान की ताकत के बारे में समझा। भगवान ने हमें बनाया है और हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बस भरोसा करें कि आपके पास आने वाली हर चीज आपके लिए अच्छी है। इस भरोसे के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमें उम्मीद है आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आप भगवान की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ आप इस किताब के बाकी चैप्टर्स को और भी डिटेल में जानने के लिए इसी डिटेल में जरूर पढ़ें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।